हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अगेन ए टू एडिटिंग जून। तो गाइस आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग, वो भी पिक्सआर्ट ऐप में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए गाइस करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आप जैसे देख सकते हो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आया हूँ। यहाँ पे मैं पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, इस पे से हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन है, इस पे टैप करेंगे और टैप करने के बाद हम अपनी गैलरी में आएंगे और यहाँ पे हम अपनी गैलरी में जाके अपना वो फोटो लाएंगे जिस पे हमें एडिटिंग करनी है। तो चलिए गाइज मैं अपना फोटो लाता हूँ और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपनी गैलरी में वो फोटो लाया है जिसपे मुझे एडिटिंग करनी है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले टूल्स में से चले आना है और यहाँ पे एक टूल है ड्रा वाला, इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पे ड्रा पे हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से कुछ इसको थोड़ा छोटा करेंगे, जूम आउट करेंगे और जूम आउट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लेयर वाला ऑप्शन है, इस पर हम चले जाएंगे और यहाँ पे नीचे वाला जो है वाइट कलर का आइकॉन है इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर हम इस वाइट कलर को, किसी भी वाइट कलर को हम चूज़ करके इस पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे हम इस लेयर को हम नीचे लाएंगे और अपने फ़ोटो पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद क्या करें, यहाँ पे जो थ्री डॉट्स का ऑप्शन है इस पे हम चले जाएंगे और यहाँ से हम इसको ट्रांसफार्म कर देंगे। ट्रांसफार्म करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से फिर छोटा करेंगे, जूम आउट इस तरह से, हम कुछ इस तरह से हम इसको छोटा कर देंगे और यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो टिक करने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर जो ये प्लस वाला आइकन है इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है एम्प्टी लेयर, इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो आप नीचे देख सकते हो ये वाइट वाला आइकन जो हमने पहले प्रेस किया था इस पर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अब ब्लैक वाला कलर इस पर यहाँ पे चूज़ करके इस पर हम टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब क्या करना है, अब इस वाले लेयर को हमें बीच में से खींचना है और बीच वाले में से हमें ऊपर ले जाना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, सॉरी जैसे कि मैं कर रहा हूं ऐसे, और अपने फ़ोटो पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे वाला है, नीचे वाला ऑप्शन है नॉर का, यहाँ पे हम चले जाएंगे, इस पर प्रेस करके हमें यहाँ पे मल्टीपुले कर देना है। मल्टीपुल करने के बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट्स का ऑप्शन है इस पर प्रेस करके यहाँ पर हमें इसको मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी अराउंड 75 पर रख देते हैं। 75 पे रख देने के बाद यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो कुछ इस टाइप का बन चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लर वाला, ब्लर में से चले जाएंगे और इस पर प्रेस करेंगे और इसकी सेटिंग्स को थोड़ा एडजस्ट करना है। यहाँ पर जो ब्लर 15 है इसको हम अराउंड 25 पे ले जाते हैं, फेड को हम 0 पे रख देते हैं और अब इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें नीचे वाले टूल्स में से चले जाना है और यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन है, इस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे हम फिर से उसी फ़ोटो को लाएंगे जिस पे हमें एडिटिंग करनी है अपनी गैलरी में से। तो चलिए गैज मैं लाता हूँ अपना फ़ोटो। तो गैज जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वही फ़ोटो लाया है जो मैंने पहले लाया था। अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है और इसको इतना सारा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जो हमने शेडो बनाई है वो उसके पीछे आनी चाहिए, जैसे कि मैं ला रहा हूँ कुछ इस टाइप से। आप चाहो तो किसी भी एंगल से अपना फ़ोटो को रख सकते हो, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप। चलो मैं इस टाइप से यहाँ पे ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो काफ़ी ओसम सा लग रहा है और काफ़ी रियल सा लग रहा है, जैसे कि उसकी शेडो पीछे आई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे यहाँ पे हम टैप करेंगे टिक वाले पे, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। टिक करने के बाद जो ये तीर वाला आइकन है इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन है, गैलरी में टैप करके हमारा फ़ोटो सीधा अपनी गैलरी में सेव हुआ है। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइज मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।